हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, ट्रूथ सीकर आए हैं जी, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कैसे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या बात करेंगे आप? हारिस चला गया? हाँ जी, हारिस इज नॉट देयर। अच्छा चले, मैं कहा चलो दोनों होंगे तो अच्छा है। मैं उनके भी स्ट्रीम में गया था। मैं असल में आज इस मैं आपसे पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ, याद होगा वो गुलामी के इशू के ऊपर आपसे बात हुई थी। अच्छा खैर, उसके ऊपर तो कोई आपकी तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जैसे मुझे करे करे। अच्छा, मैं जी जी मैं करो बात ये करनी थी मैंने कि ये जो इंसल्ट होती है, जैसे आप कहते हैं कि यार इंसल्ट करना, या किसी चाहे वो हिस्टोरिकल फिगर हो या चाहे वो कोई एक मिथिकल करेक्टर हो, कोई भी हो, आपकी नज़र में इंसल्ट करना क्यों ज़रूरी है? वजह क्या है उसकी? जरूरी भी नहीं है, दिल करे तो कर दो, दिल करे तो ना करो। के लिए रूल नहीं है कि यार कर, यार हाँ दिल करे तो कर दो, जो इंसल्ट करने के काबिल हो उसकी कर दो, क्या क्या मसला है? आपके ख्याल में जो दूसरा है जिसके आप इंसल्ट कर रहे हैं या जिसके किसी शख्सियत की आप इंसल्ट कर रहे हैं, तो उसका जो यानी उसके जो जज्बात हैं, उसके जो उसके बारे में एहसास है, उनका ख्याल रखना क्यों जरूरी नहीं? क्यों जरूरी नहीं? जज्बात का ख्याल रख रहा है वैसे, आप मुझे भी बताएं एथियस के जज्बात का कौन सा मुसलमान रख रहा है ख्याल पाकिस्तान में? कोई एक मुसलमान का नाम बता दें। अभी हम असूल पे बात करते हैं, ये तो नहीं मुसलमान नहीं रख रहा या कोई नहीं रख रहा, ये एक अलग बात है। अभी तो हम असूल पे बात करेंगे, यानी आप दूसरे लफ्जों में फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये करोगे तो मैं भी करूंगा, अगर तो ये असूल है फिर तो ठीक है। तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ मेरा अगर दिल करेगा इस्लाम की इंसल्ट करने पे तो मैं करूंगा, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, आपका दिल करता है आप मेरी कर लें, यानी असूल है ये, यानी आप समझते हैं कि यार ये असूल है, मैं जो रोक को नहीं सकता, जो मर्जी करो। हां बात ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा चलें, गुड हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई किसी के बाप को गाली निकाले या माँ को गाली निकाले या माँ के बारे में गलत कमेंट्स पास करे, मतलब ये अगरचे घिसा पिटा कमेंट है, लेकिन मैं असल में जो चीज़ आगे लेके आना चाह रहा हूँ वो ज़रा थोड़ी सी इससे रेलेवेंट है। तो माँ को गाली निकालना भी आपके ख्याल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? या देखें, गाली किसी पर्सनैलिटी को निकालना, कोई जीती जाती औरत को निकालना गाली, गलत तो है मगर इस पर गर्दन तो नहीं काटी जा सकती ना। आप ये कहना बंद कर दें कि हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी पे सरतान से जुदा होगा, तो मैं हजरत मोहम्मद को गाली नहीं दूंगा। मैं मेरा आपसे प्रॉमिस है, जिस दिन आप लोग ये कर देंगे, जिस मैंने गाली आज तक हजरत मोहम्मद को वैसे भी नहीं दी, मगर जिस दिन आप लोग पाकिस्तान से ब्लास्फेमी लॉ ख़त्म करा देंगे, ये नारे लगाना बंद कर देंगे कि हम हजरत मोहम्मद जिस गुस्ताख रसूल की सजा सरतान से जुदा, उस दिन के बाद मैं हजरत मोहम्मद को माफ़ ही नहीं करूंगा। मैंने मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। मेरी जो बात है ना, मेरी बात जो है वो आप लोगों की सुन तो लेना यार, सुने तो सही। मैं जो कर रहा हूं ना वो एहतजाज है जो आप कर रहे हैं उसका, क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि हम हजरत मोहम्मद के लिए लोगों को मारेंगे, तो मैं कहता हूं फिर ऐसी की तैसी आपके हजरत मोहम्मद। जब कोई ये कहता है ना कि हम गाय काटोगे तो काटेंगे, तो फिर मैं कहता हूं कि फिर बीफ खाना सवाब का काम, समझ गए? मेरा ये स्टैंडर्ड है आपके बारे में भी, दूसरों के बारे में। मेरा ये क्या है, ये मेरा एहतजाज है, ये मेरा प्रोटेस्ट है, जो मैं इस्लाम को कहता हूँ, ये मेरा प्रोटेस्ट है, ये मेरा प्रोटेस्ट है। क्योंकि देखें, आपकी माँ को मैं क्यों गाली दूंगा? आपकी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा है? आपकी माँ ने क्या लोगों को गुलाम बनाया? क्या आपकी माँ का के लिए नारा लगता है कि मेरी माँ को गाली देने की सजा सरतान से जुदा? कोई नहीं लगता। इसलिए आपकी माँ को तो मैं कभी भी गाली नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा ना। नहीं, अगर बिगाड़ा हो, फॉर एग्जांपल किसी को कत्ल किया हो, कुछ किया हो, तो फिर बच्चा चोरी किया हो, फिर हाँ, तो मसला यह है कि फिर कानून भी है। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, अगर किया भी हो उस वक्त क्या हक बनता है आपका? किया भी हो क्या? नहीं तो कानून भी है, फिर कानून भी है। उतना बड़ा काम तो नहीं किया ना जो हजरत मोहम्मद ने किया है या मजहबों के बनाने वाले। अभी कानून की बात ही नहीं हो रही, अभी तो हम
ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे तो मैं उसमें कानून का जवाब नहीं दे सकता, ये तो नहीं होता ना। हेलो, आप थॉट प्रोसेस बात, जो थॉट प्रोसेस है ना, अगर गाली निकालने से बात कर रहा हूं तो कानून की बात करना भी थॉट प्रोसेस ही है। क्या थॉट प्रोसेस से बाहर है कानून की बात करना? कानून तो बाद में आएगा ना, इस वक्त आपको पता है यार बाद में क्यों आएगा? मेरे लिए कानून बाद में नहीं आता, और किसी भी दिमाग से सोचने वाले इंसान के लिए कानून बाद में नहीं आता। कानून आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ये समझेंगे जिस बात के ऊपर आप कहेंगे। अच्छा, मेरा केस समझे ना यार, मुझे ये बता देना, ट्रुथ सीकर, ये बता देना, सिर्फ ये बात बता देना, एंड पे गाली देके जाना है फिर। यार खुदा का पानी, कब गाली निकाली है आपको? इससे पहले मैंने कब गाली? आपने पिछली बार आप निकाल के गए हो, आप दूसरा नाम रख के आ जाते हो, फिर आप गालियां देते हो। ओ मेरे खुदा यार, मैंने आपको कभी गाली नहीं निकाली, आपने पिछली दफा भी मुझे यही चैट में लोग कह रहे हैं ये लास्ट टाइम गाली देके गया था, मुझे भी याद है। लोग जाने फिर मैं मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कभी किसी को गाली निकाली, मैं तो नॉर्मल गाली निकालता, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी माँ का और हजरत मोहम्मद का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी माँ बहुत नेक खातून है, मगर हजरत मोहम्मद के काम जो है वो बहुत बुरे हैं। मैं आपकी माँ को हजरत मोहम्मद से कंपेयर नहीं करना चाहता। एक मफरूजा लेते हैं, एक मफरूजा। आपको मफरूजा लग रहा होगा ना, आपको लगे मफरूजा, कोई बात नहीं। नहीं, मैं एक मफरूजा ले रहा हूँ कि फला शख्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, टॉम हैरी, उसकी वालदा ने एक अपने किसी टाइम पे उसने एक हॉस्पिटल से बच्चा चोरी कर लिया और वो उसको ले लिया, ठीक है, एक जुल्म है। हमें पता लग गया है, कानून तो हो गई होगा, कानून तो उसके ऊपर करेगा, लेकिन कानून नहीं कर सका। फॉर एग्जांपल आप ऐसी औरत को गाली देना चाहते हैं, आप ऐसी औरत को गाली देना चाहते हैं? मैं नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दे ले, आप दे ले, दे ले, कोई दे भी लेगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी होगा, कोई दे भी लेगा तो क्या हो जाएगा? गाली लेना क्या, पाकिस्तान के कानून में गाली देने की क्या सजा है? नहीं, गाली देना नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे पता इस्लामी शरीयत में गाली देने, नहीं नहीं एक मिनट सुने, गौर से मुझे बात बताएं, कानून की बात करते हैं ना, इस्लामी शरीयत में गाली देने की किसी की मां को क्या सजा है बताएं? अभी कोई सजा नहीं है। तो बस फिर क्या मैं, फिर क्या टेंशन है आपको? मुझे क्या टेंशन है, मैं तो अपनी टेंशन की बात ही कर रहा ना, मैं तो असल में आपका टेंशन तो आपको है, आप उस बात को घुमा के आप बीट अराउंड द बुश करेंगे, आप मुद्दे पे नहीं आएंगे जो आप हर बार करते हैं। मसला यह, इस्लामी शरीयत में किसी की माँ को, बहन को, बाप को गाली देने की कोई सजा नहीं, ठीक है? पाकिस्तान के कानून में कोई सजा नहीं है, इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में कोई सजा नहीं है, मगर आप लोग हजरत मोहम्मद को गाली देने को, माँ से गाली देने को कंपेयर करते रहते हैं, जो कि इलॉजिकल बात है। ये बात मैं 100 बार समझा चुका हूँ, बात वही आ जाती है ना, अगर सजा नहीं है तो उसका मतलब है कि क्या आप दे सकते हैं? अगर नहीं है सजा, दे सकते हैं ना चंदा मेरे, गाली दे सकता कोई भी। ये आप लोग जो हो ना, आप लोग क्या हो, आप लोग छुई मुई हो मेरे बच्चे, छुई मुई हो आप। आप लोग जो है ना, रोने लग जाते हो, भीख मांगने लग जाते हो, वो हमारे इस्लाम की इज्जत करो, ठीक है, वो हमारे इस्लाम की इज्जत करो, नहीं तो छुरी ये देखो तुम्हारा गला काट देंगे, ये करने लग जाते हो भाई आप। अल्लाह गालियां देता है कुरान में, हजरत मोहम्मद ने गालियां दी हदीसों में, ठीक है, आप बातें करते हो गालियां देने की। नहीं नहीं चंदा, मुझे पता है अच्छे तरीके से कि आपने किधर जाना है, आप 10 बार पहले यही काम कर चुके हो, आप हर बार बात शुरू करते हो मां बहन से और पहुंच जाते हो हजरत मोहम्मद पे। अल्लाह ने नहीं गाली दी कुरान में, नहीं अल्लाह ने जनीम नहीं कहा, जनीम या हरामी नहीं कहा अल्लाह ने कुरान में, नहीं कहा जनीम, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा हरामी? अल्लाह ने हरामी की गाली कुरान में दी है, मुझे साबित करें कि, साबित करें ना आप, साबित करें कि जनीम का मतलब हरामी है यार। वो जनीम वाली आयत निकालो यार, अभी निकालो, इधर भेजो मुझे जनीम वाली आयत, क्या मुझे, मेरे अब ज़हन में नहीं है, मैं एक मिनट अभी बता देता हूँ आपको। अल्लाह ने कुरान में गाली दी है, अल्लाह ने ये कहा है कुरान में कि फलां बंदा तुम्हें ताने देता है तो वो तो खुद जनीम है। अल्लाह ने कुरान में हज़रत मोहम्मद के असल को ये कहा, जिसका असल मतलब है, हाँ जी, जनीम का मतलब, अब असल मतलब जन्म से निकला है लफ्ज ये, ओ चंदा मैं ये इस बात में पहले भी बात कर चुका हूँ, बे ओ भाई उसका इंग्लिश में जहां भी तर्जमा लिखा होता है ना, वो यही लिखा होता है, ही इज इलेजिटिमेट, ठीक है, सेकेंडरी मीनिंग आप मुझे ना बताएं, इसका प्राइमरी मीनिंग, चले मैं, जमीन का प्राइमरी मीनिंग क्या यार, उसका प्राइमरी मीनिंग यही है, हरामी, उसका प्राइमरी मीनिंग उसका हरामी, नहीं ये सेकेंडरी मीनिंग है इसका। चले आपने अगर यही बात करनी है, मैं आपको अपने यार, आप ट्रुथ सीकर, एक मिनट जरा चुप रहना, आपके साथ ना बात करने का कोई मजा नहीं आता, क्यों नहीं आता पता क्यों?
आप जिस बात पे बात करते हो ना, आप सिर्फ आते हो जिसको कहते हैं आडा लगाने। जब आप आडा लगा लेते हो ना, तो फिर आप पत्ते पकड़ने लगते हो, तने पे आप बात नहीं करते। ठीक है, आपका हमेशा से ये इशू है। पिछली बार भी जब आप आए थे, ऐसे इधर उधर की बातें करते रहते हो, और दरमियान वाली बात जो है वो आपसे होती नहीं है, क्योंकि सॉरी टू से आपके पास नॉलेज भी नहीं है भाई। यार नहीं नहीं, एक मिनट, अब काटो नहीं। आपके पास भाई, आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आपको पता भी नहीं होता चीजों का। ठीक है, अभी ये जनीम का मतलब सब ने यही लिखा है, हरामी ही लिखा है, और अल्लाह खुद गालियां देता है। किसी ने नहीं लिखा, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है भाई, सही है, लिखा हुआ है। यार वो जनीम वाली आयत निकाल दो यार, वो मेरे जहन में नहीं है। आप किधर, एक सेकंड, मैं अपने रेफरेंसेस वाली आयत निकाल लूं, क्योंकि ये नहीं मानता। ये पिछली बार भी आया था, ये ऐसे इधर उधर की बातों पे बहस करता रहता है, इस्लाम की मेन बात इसको पता नहीं लगती। पिछली बार भी ये इसी तीन बार मुझसे ये बंदा इस बात पे बहस करके ये ट्रूथ सीकर साहब जा चुके हैं कि जी ओ जी किसी की माँ को गाली देना। अभी खुद आके कहा कि नहीं, ये बात तो बड़ी सिंपल है, फिर मैं वहीं से शुरू करूंगा कि किसी की माँ को गाली देना बुरा तो होता है ना। जब इनको उसकी लॉजिक समझाओ, वो इनको समझ नहीं आती। ठीक है, जब इनको लॉजिक समझाओ ना हजरत ट्रूथ सीकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है, तो इनको समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है। ठीक है, हाँ ये कुरान 68:13 है। ठीक है, फिर ये अब मेरे साथ इस बात पे बहस करेंगे, वो जी तर्जुमा गलत है, जो कि इनका सबसे पुराना और सबसे टुच्चा इन लोगों का जो वो है ना, ओ जी ये तो तर्जुमा गलत हो गया जी, हमारे तो तर्जुमे पिछले वाले जो थे ना वो पागल थे सारे, बुखारी शुखारी, जिनको पता ही नहीं था इन तर्जुमों का। आज वालों को पता है, डॉक्टर इसरार को बड़ा पता है तर्जुमों का जी, वो पता है, बाकी पिछलों को नहीं पता था। मौदूदी को पता था, जलालैन को नहीं पता था, तफसीरें जो कर करके इन आयतों के गए हैं। ठीक है, पता उनको था जो कि अब पैदा हुए हैं, पिछलों को कुछ नहीं पता। जिन्होंने इनको इस्लाम की तबलीग की असल में, उनको कोई बेचारों को पता नहीं था कि इनका क्या मतलब होता है इन आयतों। ठीक है, तो ये इनकी हालात हैं। ठीक है, ये हमेशा ये हजरत यही आते हैं और इसी तरह की बातें करके चले जाते हैं। पिछली चार पांच बार से मुझे इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं तंग आ चुका हूं, उनसे बोर हो चुका हूं, 10 बार बता चुका हूं। भाई मेरी मर्जी, मैं हजरत मोहम्मद पे जैसी मर्जी तनकीद करूं, इस्लाम पे जैसी मर्जी करूं, यसू पे जैसी करूं, अभी हिंदू मेरे पीछे पड़े थे, ठीक है, मैंने उनकी बात मानी है, जो आपकी मान लूंगा, मैं किसी की भी नहीं मानता भाई। मैं ये समझता हूं ये आपकी जितनी सेक्रेट पर्सनैलिटीज हैं, जितनी फिक्शनल पर्सनैलिटीज हैं, मेरा राइट है, मैं इनके ऊपर जैसे मर्जी तनकीद करूं। आप मुझ पर तनकीद कर सकते हैं, मुझ पर तनकीद करने की सजा सरतान से जुदा नहीं है। दूसरी बात मैंने बताई, जिसका आगे से मुंह में घुंघरू पड़ जाते हैं, वो क्या है कि भाई हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी का कानून खत्म कर दो तो मैं हजरत मोहम्मद को कुछ नहीं कहूंगा। आगे से इनकी सिटी गुम हो जाती है। मैंने जिस जिस को आज तक ये बात कही है कि हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी का कानून खत्म कर दो, लोगों को मारना बंद कर दो, ये कहना बंद कर दो कि जी गुस्ताख रसूल की सजा सरतान से जुदा, तो हम आपके हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी नहीं करेंगे या उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, मगर इनकी 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 जुरत नहीं होती क्या ऐसे करें। और वो क्यों नहीं होती जुरत, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, इनको पता है कि हजरत मोहम्मद ने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि अगर गुस्ताखी का कानून हमने खत्म कर दिया तो लोगों ने तो कल को हजरत मोहम्मद की करतूतों की डिक्शनरी खोल के बैठ जाना। ठीक है, जो कि अभी खोल के बैठे हैं, और इन लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि लोग आज भी खोल के बैठे हैं मेरे भाई, और आप चाहे जो मर्जी कर लेना, ये कहीं भी नहीं जाने वाली ये डिक्शनरी इधर ही रहेगी, ये कहीं भी नहीं जा रही, ये इधर ही रहेगी। आप चाहे रोएं, चाहे चिचलाएं, चाहे आप मिन्नतें करें, हजरत मोहम्मद की इज्जत की भीख मांगना छोड़ दो। ठीक है, ये जो है ना, ये ऐसी ही बात है, ये सिंपल सी बात है। उर्दू वाले तो हमेशा इसमें डंडी मार देते हैं, इस आयत में सूरह कलम की आयत नंबर 13 जो है, इसमें उर्दू वाले हमेशा डंडी मारते हैं। ये मैंने 3 इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी तक खोली हैं, और तीनों में क्या लिखा है, ठीक है, अतुल्ली बादी जालिका जनीमन, ठीक है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये लिखा ब्रूट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड ही हरामी होता है ना, ब्रूटल मोर ओवर ऑफ स्पर्यस पेरेंटेज, यानी जिसकी वल्दियत पे शक है, मशकूक वल्दियत वाला, और इलेजिटिमेट जनीम का मतलब स्पर्यस पेरेंटेज वाला नहीं होता। यहां पे फिर लिखा क्रूअल एंड अ बास्टर्ड बिसाइड्स दैट, ठीक है जी, तो ये चीज है ना। और फिर इधर मैं आपको ये भी बता दूं, हजरत मोहम्मद को किसी ने ये ताना दिया था कि तुम जनीम हो, तो हजरत फिर उसके जवाब में अल्लाह कहता है कि उसको कह दो, ये कुरान अगर आप ये सारे नंबर शंबर हटाए बगैर पढ़े ना तो आपको समझ आता है
यहां पे आपको लगता है स्लैंडरर गॉसिप मॉन्गर, ठीक है, बैकबाइटर स्प्रेडर ऑफ मलिशियस गॉसिप, और यहां पे रो रो दर रो ताने देता है, चुगलियां खाता फिरता है, यानी जिस बंदे ने रसूल अल्लाह को ताना दिया था तो उसके ताने के जवाब में उसे हरामी कहा गया। तो यार मुझे बताएं कि जब कोई किसी को काला कहता है ना तो फिर आगे से कोई उसको काला कहता है, या कोई किसी को घटिया कहता है ना तो फिर आगे से कोई उसे घटिया कहता है। तो यहां पर रसूल अल्लाह को मोस्ट प्रॉब्ली जनीम का ताना किसी ने दिया था, ठीक है। असल में अगर ये आयतों के नंबर हटा दें ना और इसे सिर्फ सीधा सीधा पैरेलल में पढ़ें, ठीक है, इस वीडियो का टाइटल भी ये होगा, क्या किसी ने रसूल अल्लाह को जनीम का ताना दिया था, हम इसका टाइटल भी ये रखेंगे। और अब आपको मैं जरा गौर से पढ़ के सुनाता हूं। अच्छा, यहां पे तो ए नबी, ये आयत नंबर कौन सी है, 8, ठीक है, आयत नंबर 8, पीछे से भी यही किस्सा चला आ रहा है, तो हम इसको आयतों के नंबर हटा के पढ़ते हैं जरा। तो ए नबी, आप इन झुटलाने वालों की बातों पर ध्यान ना दें, कि कुछ लोग हैं जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहे थे, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, ठीक है। अच्छा, वो तो चाहते हैं कि आप जरा ढीले पड़े तो वो भी ढीले पड़ जाए, ठीक है, और आप मत मानिए किसी ऐसे शख्स की बात जो बहुत कस्में खाने वाला और इंतहाई घटिया है। यानी कह रहा है कि ये बंदा जो है ना बहुत कस्में खाता है और बड़ा घटिया है जो जिस बंदे की बात हो रही है, ठीक है, रो दर रो ताने देता है, चुगलियां खाता है, यानी ऐसे बंदे की बात हो रही है जो बहुत कस्में खाता है, ताने देता है, चुगलियां करता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। खैर से रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला गुनाहगार है, और ये लोगों को अच्छे कामों से रोकने वाला गुनाहगार आदमी है, ठीक है। ये कहा गया, अल्लाह ये कह रहा है, अल्लाह रसूल अल्लाह को इस सूरह कलम में तसल्लियां दे रहा है, ठीक है। और फिर आखिर में अल्लाह क्या कहता है, और आखिरकार, ठीक है, क्या कहता है, बिल्कुल गुमार है, इसके बाद ये बदअसल भी है। अब ये बदअसल जनीम यहां पे बदअसल लिख दिया, बदअसल का मतलब भी असल में हरामी होता है, ठीक है, ब्रूट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एन इलीजिटिमेट चाइल्ड, कि वो हरामी है, ठीक है, ब्रूटल मोर ओवर ऑफ स्पुरियस जो है ना पेरेंटेज, फिर क्रूअल एंड बास्टर्ड बिसाइड दैट, कि इसके अलावा वो जालिम और बास्टर्ड भी है, ठीक है जी। अच्छा, सिर्फ इस घमंड पर वो माल और दौलत और बेटों वाला है, यानी उसने रसूल अल्लाह को ये कहा था कि रसूल अल्लाह, जो इसकी आम तौर पे तफसीर की जाती है कि रसूल की तो कोई औलाद ही नहीं है, ये तो बे औलाद है, ठीक है, तो इसको जवाब में हरामी कह दिया गया, ठीक है। और जब उसे हमारी आयत पढ़ के सुनाई जाती है तो वो कहता है ये तो पहले ही लोगों की कहानी है, जो कि वो सच बात कहता था, क्योंकि वाकई कुरान में कोई ऐसी कहानी ऐसी नहीं है जो कि पुरानी किताबों में नहीं आई, सबकी सभी पुरानी किताबों में, ठीक है जी। तो यही बातें हैं कि कुरान में गाली दी गई है, गाली के जवाब में गाली दी गई है या वैसे दी गई है, ये अब एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भाई साहब तो 100 बार कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो जी इसका मतलब ये है, तो भाई मैं ट्रांसलेशन पे आपसे बहस नहीं कर रहा, मौलवियों ने इसकी ट्रांसलेशन बास्टर्ड की है, जाके पहले उन मौलवियों से बात करें फिर मेरे से बात कर लेना, तो मैं आपसे कर लूंगा। तो अब ट्रूथ सीकर, आपने जो एंड पे कोई बात करनी है वो कर दें, मैं आपको कुछ कमेंट दे। देखिए मैंने एक लिंक शेयर किया, मैंने आपको पहले भी बताई है बात कि लिंक तो मैं खोलता ही नहीं हूँ भाई, आप जैसे मुमिनीन के लिंक तो मैं वैसे भी खोलता नहीं। अच्छा चले छोड़े ना खोले, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जो लिंक मैंने शेयर किया उसको बाद में खोल लीजिएगा, वो असल में इब्न अब्बास की तफसीर का लिंक है जो सबसे पहले मुफस्सर है, हम उनकी बात को देखेंगे। मैं उस तफसीर में से सिर्फ एक टुकड़ा आपको पढ़ कर सुना देता हूँ, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि मुल सिक बिल कौम लाइस मिनहुम, इसका मतलब यह है कि इश्तिहार लगाना किसी कौम के बारे में और उस कौम से ना होना, ठीक है, और ये बाकायदा एक शख्स है जिसकी रवायात में जिक्र आता है कि अखनस बिन शरीक था, कि जो था तो वो असलन सकीफ में से था, लेकिन वो था कि वो मैं बनु ज़हरा में से हूँ, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आते हैं, नाम मुख्तलिफ आते हैं इनके, लेकिन असल यही है भाई, असल का मतलब, क्योंकि उसका जो रूट वर्ड है आप उसमें से मतलब लेते हैं, जो बात आप कह रहे हैं वो उसमें से निकाला हुआ एक मतलब है, उसको हम नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर कुरान में एक गाली है तो फिर कुरान में 70 गालियां क्यों नहीं है, और भी गाली देनी चाहिए थी, जगह जगह और गालियां होनी चाहिए थी, ऐसी बात नहीं है। आपको एक अगर उसमें से टुकड़ा मिला है तो उस टुकड़े को साथ आप मिलाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो असल में गाली नहीं है, वो बेअसल है। यानी वो मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आदमी आता है, वो कहता है जी मैं एक्स मुस्लिम हूँ, ठीक है, अगरचे कि वो एक्स मुस्लिम नहीं है, वो हो सकता है सनातनी है, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम के तौर पर आपके सामने पेश करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो जनीम है, वजह क्या है कि असल उसकी जो है वो सनातनी है, लेकिन अपने आप को एक्स मुस्लिम शो कर रहा है, ये है जनीम का मतलब। तो ये गाली नहीं है जनाब, और ये मैं आपको इब्न अब्बास की तफसीर का हवाला दे रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट आपके पूरे हो गए हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, थैंक यू, सही है, चल शुक्रिया। ये बात है कि कलाबाजियां इब्न अब्बास की तफसीर, इब्न अब्बास की तफसीर को कुछ मसनद मानता है,
ऐसे ही बातें कर रहे हो, बाद में लिखी हुई तफसीरें हैं वो सारी, ठीक है, असल तफसीरें तो वही हैं, तफसीर जलालैन और उसकी जो मेन जो दूसरी है उसकी इब्ने कसीर, वही हैं। अब इब्ने अब्बास की तफसीर, अब मुझे, मैं वो देखूंगा तो पता चलेगा इब्ने अब्बास की तफसीर की क्या औकात है। भाई हमें पता है ये बातें, हमें ये वाला फुदू हमें नहीं लगता, मौलवी पागल तो नहीं है ना, आपको पता कोई है नहीं है कुरान के तर्जमे का। मौलवियों ने जब हरामी लिखा है, और 10 मौलवियों ने लिखा है हरामी, मैंने 3 के तर्जमे दिखाए, तीनों ने लिखा है उर्दू में, आपने बदअसल उसे कह दिया, तो भाई बदअसल का भी मतलब हरामी होता है, आप उसके मतलब बदलते रहे। गाली तो कुरान में है, ठीक है, हजरत मोहम्मद ने भी गालियां दी हैं, साहबियों ने भी गालियां दी हैं, ऐसे ही मतलब 13वीं सदी की ये देख लें, अभी अभी जो मैंने बात की है वो कंफर्म कर दिया, ये इब्ने अब्बास झूठी है जो 13वीं सदी में सामने आई। हाँ मैंने आपको पहले कह दिया ये है ही नहीं है मुस्तनद तफसीर, पिछली बार भी आपने जाके पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए थे। तो ट्रुथ सीकर आप यूं ही करते हो, क्योंकि आपका भाई सॉरी टू से नॉलेज भी नहीं है, और आपको वैसे भी बातों का पता भी नहीं होता, ये प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। हाँ तो अब हम क्या करें फिर आपका। अच्छा पहले मैं वो जो आपके आए थे ना भाई आए थे उसके हवाले से, ट्रूथ सीकर साहब जो आए थे ना उनके हवाले से एक दो बातें करनी थी। एक तो मैं एक उनके हक में बात करूंगा कि वो गाली शाली नहीं देते, हमारी भी उनसे बात हुई है, आपके साथ भी बात हुई है, वो आप शायद किसी दूसरे को समझ रहे हैं, लेकिन वो उस शायद फिर इनकी आवाज मिलती है, शायद हाँ आवाज मिलती होगी, लेकिन ये इनसे 2-4 मरतबा हो गए तो वो ऐसा मसला नहीं है। अच्छा दूसरी बात उन्होंने वो की थी इब्ने अब्बास की तस्वीर में, तो वो हारिस ने शायद आपको एक तस्वीर भेजी हो, वो जरा अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दें। वो हारिस ने भेजी है, मैंने हारिस को भेजी थी, मैंने उसे कहा था कि आपको भेजे, वो व्हाट्सएप पे आपको ड्रग्स भेज दो ना, की हो गया तो ना। नहीं मेरे पास आपका कोई रابطہ नहीं है, तो कर ले रابطہ, आपको मेरे से रابطہ करना हराम है। अच्छा मुझे डिस्कॉर्ड पे भेज दे, किसने मना किया है, मुझे अब ये पूछना पड़ेगा किसने मना किया आपको मेरे से रابطہ करने से। नहीं 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 मना किसी ने नहीं किया, मुझे आप डिस्कॉर्ड पे भेज दे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। अच्छा ये हो गया, आ गया हारिस ने भेज दिया। तो वो अच्छा पहले ये, तो ये अब ये है कि या उनसे गलती लगी है या फिर उनके पास कोई और रेफरेंस होगा, लेकिन ये सूरह यानी कि कलम की जो आयत नंबर 13 थी ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ देख रहे थे, तफसीर इब्ने अब्बास और उसके मुतरजिम है हाफिज मोहम्मद सईद अहमद, तो इसके अंदर आप देखते हैं तफसीर में तो लिखा हुआ बातिल, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, हाँ बातिल पर सख्त झगड़ने वाला हो या के बहुत पानी पीने वाला है, सही तंदुरुस्त और लालची हो, और उसके अलावा अब ये वो पार्ट आ रहा है बाद अज़ालिका ज़नीन, और उसके अलावा हराम ज्यादा हो या कुफ्र शिर्क फिस्क फजूर और शरारतों में मस्त हो, वो ये कहता है कि आपकी इताअत ना करो, और जिस वजह से वो बाकी आगे फिर वो पार्ट आ जाता है। तो इवन इब्ने अब्बास में भी यानी कि ये जो एटलीस्ट जो ये रेफरेंस है इब्ने अब्बास की तफसीर वाला, उसके अंदर भी उन्होंने भी यही वर्ड यूज किया है इसके लिए, ट्रांसलेट इसको समझाने के लिए, ठीक है उन्होंने 7-2-3 और मायने भी लिखे हैं। और फिर मेरा एक इल्जामी मेरा जवाब वो ये है कि चले मैं उनकी बात अगर मान भी लूँ, अगर हम उनकी बात मान भी लेंगे इसका वाकई ये मतलब नहीं, इसका कोई सेकेंडरी मतलब है, लेकिन वो ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि इसका ये मतलब भी निकल सकता है। अब इसमें ये सवाल आता है कि क्या अल्लाह मियां को ऐसा लफ्ज यूज करना चाहिए था जिसका एक दूसरा मतलब एक गाली हो, क्या अल्लाह मियां कोई बेहतर लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता? अल्लाह मियां did not choose his words wisely, ना? यही बात। हाँ, exactly. तो फिर it's a bad piece of writing, फिर हम ये कहेंगे अगर गाली नहीं भी है तो। वैसे तो बहुत से मुफस्सरीन और मुतर्जमीन ने इसको बदअसल या बदनिस्बत, बुरी नस्बत या गलत नस्बत वाला, इस तरह की चीजें उन्होंने वर्ड यूज किए। तो ये तो हो गया उनकी इस पॉइंट पे। दूसरा उन्होंने वो उस दिन क्योंकि हारिस के पास भी आए थे तो उनसे उनका इंटरनेट का इशू था, बात सही इतना हो नहीं पाई थी, वो आपसे भी आज वही बात कर रहे थे इंसल्ट और ये वो उसकी चीजों पे। उस पर मैं अपनी राय रख देता हूँ, आप ही ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप मेरे से अग्री या डिसएग्री करते हैं। तो मेरा पॉइंट में ये मेरा जो मानना उसमें ये है कि एक मुसलमान असूल है जो हमने तय कर लिया और जिसको हम नहीं छोड़ सकते, वो है इसको मैं स्क्रीन से हटा दूं। जी जी इसको हटा दे। हाँ जी ये खत्म हो गया। इस पे एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा गालिब भाई, इस तो एक सिर्फ एक पॉइंट जो इस पे बात हो रही ना यार, देखो कॉमन सेंस की भी बात है, जना हम सबको पता है, इस पे हम सब एक पेज पर है ना, जना जनीम ये सब मुझे लगता है एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं। दूसरी बात जो यहाँ पे मैं कैसर साहब की बात करूंगा, उनको खुद भी कुरान का नहीं पता, उन्होंने कहा भी है कि मैंने पूरा कुरान सही तरह नहीं मदरसे में पढ़ा, और वो अग्री कर चुके हैं लाइव मेरे साथ कि हाँ इसमें हरामजादा इसलिए बोला कि औरत ने मान लिया था, हालांकि उसका कॉन्टेक्स्ट हम क्लियर कर चुके हैं। तो कैसर साहब से तो वो तो इन जो डिफेंड कर रहे हैं वो तो अग्री कर रहे हैं जनीम का मतलब हरामजादा है, अब इसमें एक और क्या डिबेट की जाए भाई। जी जी स्टोइक जी। हाँ और बल्कि
आपकी बात से एक और बात जहन में आ गई कि वो किसी और बंदे का नाम ले रहे थे, लेकिन इस पे जो जो है ना जमहूर कॉल वो यही है कि ये खालिद बिन वलीद के बाप के बारे में है। और ये अगर आप किसी 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 ने आप लोगों ने देखी हो उमर सीरीज देखी हो ना, तो उसके अंदर बाकायदा उन्होंने ये सीन फिल्माया भी है कि जिस टाइम खालिद बिन वलीद ने इस्लाम एक्सेप्ट किया और जब वो मदीने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले ये आयतें सुनाओ ताकि मेरा जो है ना वो एक दफा गुबार वो खत्म हो जाए। तो ये खैर उनके उनके वालिद के बारे में ज्यादा ये कॉल आता है कि ये उनके बारे में। एनीवे चलो ये तो टॉपिक हो गया। दूसरा वो बात कर रहे थे कि इंसल्ट करना क्यों चाहते हैं और इस हवाले से बात कर रहे थे, उसमें एक दो गुजारिशात मैंने रखनी थी। वो गुजारिश ये है कि एक हमने असूल तय कर लिया जो कि मुसलमान असूल है, क्योंकि वो बार बार असूल का पूछ रहे थे, वो है डिसेंट का, कि इख्तलाफ राय को जो है वो काबिल ताजीर या काबिल दस्तंदाजी जुर्म नहीं बनाया जा सकता, यानी कि उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। इसी असूल से फिर एक नया असूल जन्म लेता है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। अब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को या फ्रीडम ऑफ स्पीच को जब देखते हैं तो हम उसको कुल्ली तौर पे अलाउ नहीं करते, यानी कि उसके अंदर एक दो पार्ट्स हैं जो हम उसको अलाउ नहीं करते, और वो है मेनली जो उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है इंसाइटमेंट टू वायलेंस वाला। वो पार्ट हम उसको ऐसा समझते हैं कि ये पार्ट हम अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है कोई अपना हक रखता है हर इंसान अपनी राय देने का। अब उसमें वो बात ये आ जाती है कि ठीक है, राय तो हम एक क्योंकि हमने कम्युनिटीज में रहना सीखा है तो नॉर्मली एथिकल बात, और ये मैं एग्री करता हूँ कि रैशनैलिटी भी हमें यही कहती है कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ अच्छे रिलेशंस बना के चले आगे, क्योंकि हम ऐसे ही हमारी कम्युनिटी ने इवॉल्व भी किया और तरक्की भी की है। तो उसके अंदर एक एस्पेक्ट ये जरूर आता है कि हम किसी को इंसल्ट या ये वो चीजें ना करें, लेकिन इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि हमने पहले एक असूल डिटरमिन कर लिए कि इख्तलाफ राय जो है वो हर सूरत हमने सोसाइटी के अंदर कायम रखना है, क्योंकि अगर हम वो कायम नहीं रखेंगे तो फिर मामला हो जाएंगे जो है वो टोटल डोमिनेशन या फिर ऑटोक्रेसी की तरफ या फिर अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चीजें चली जाएंगी। तो हम उस असूल को छोड़ नहीं सकते। तो उसके अंदर अब बात आ जाती है कि ठीक है हम इख्तलाफ राय को रखते हैं लेकिन आप इंसल्ट ना करें, ओके फेयर आर्गूमेंट। लेकिन इसका जवाब ये है कि मसला ये होता है कि हमने ये देखा है कि अगर हम जितनी स्पेस इंसल्ट की और जितनी चीजों पे कदकने लगाते जाएंगे तो वो फिर और आप लोग और स्पेस मांगेंगे, आप लोग फिर ये भी कहेंगे कि नहीं आपने अल्फाज भी यानी कि तहजीब के जो जो लिमिट्स है ना, तहजीब के जो बैरोमीटर्स हैं वो बदलते जाएंगे। हम गालियों वगैरह को साइड पे भी रख दें, अगर कोई बंदा ये भी कल को कह देगा अगर आपके सेनेट से चला जाए कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के नबी नहीं थे, ठीक है, या अगर वो ये कह दे कि वो झूठे नबी, तो वो लोगों के लिए गुस्ताखी या इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो ये फिर बात कहीं रुकेगी नहीं। अब उनका जवाब ये होगा कि ये स्लिपरी स्लोप आर्गूमेंट है। नहीं, ये स्लिपरी स्लोप आर्गूमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि स्लिपरी स्लोप वहां पे होती है चीज फैलेसी इस्तेमाल, जहां पे जो जो आपका कंक्लूजन निकल रहा है स्लिपरी स्लोप से वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो। लेकिन ये जो मैंने जो दलील बांधी है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम पास्ट में इसका मुशाहिदा कर चुके हैं। हम डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन में और पर्टिकुलरली इस्लाम के अंदर हमारे पास पूरी हिस्ट्री है जिसके अंदर डिसेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई और बहुत छोटी छोटी बातों पे लोगों के सर तन से जुदा हुए हैं। इसलिए ये हमारे मुशाहिदे की बात है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात नहीं है। तो ये मेरी गुजारिश आती, ये है वो असूल जिनकी वजह से हम, मैं पर्सनली तौर पर, मैं मुझे नहीं लगता मैंने कभी ऐसी कोई बात की होगी जो मेयार से गिरी हुई हो या गाली वाली एलिमेंट में हो, लेकिन इसको क्रिमिनलाइज फिर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके अंदर पर आप वो कहेंगे कि जी अच्छा कोई आपकी माँ बाप को गाली दे तो आपको कैसा लगेगा, ऑब्वियसली बुरा लगेगा, लेकिन आप उससे कतई ताल्लुक कर लें, आप उसकी बात ना सुने। ये है एक सोसाइटी को चलाने के तरीके, और उसके अंदर अगर आप जितनी कदगने लगाएंगे तो उसका एंड रिजल्ट फिर ये निकलेगा कि फिर आप लोग नबी ना मानने पर भी जो है ना आप लोग फिर जुल्म सितम करेंगे, जो कि पाकिस्तान के अंदर हमें इसकी मिसाल मिलती है, आए दिन मिलती है और पास्ट में भी मिली है। जी चले ठीक है स्टोइक, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।